मात्र 6000 लोगों के सोने के लिए जगह है। अगर हम सरकार के आंकड़ों की बात करें 16760, तो उसके हिसाब से ये हो गया कि 10000 लोगों के लिए अभी भी स्पेस नहीं है। हम तो वैसे में भी गद्दा बेड नहीं मांगते, हम तो नीचे ही सोते हैं, जमीन में सो जाते हैं। मैं तो हमारा भी दिल करता है हम भी चार दीवारी में सोए। जैसे भी हम पहले भी बाहर थे तो अभी भी बाहर ही सही है, शांति तो है कम से कम। हमको 40 साल हो गया यही रोड पे है, जवानी बचपन बाल बच्चे सब इधर ही करे। क्या है सरकारी आंकड़ों की हकीकत? आखिर क्या है शेल्टर की हकीकत? एक तरफ सरकार सभी के लिए शेल्टर की सुविधा मुहैया कराने की बात करती है, लेकिन कुछ लोग ठंड में भी बिना छत के सोने के लिए मजबूर हैं। शेल्टर के ठीक बाहर भी कुछ लोग रहते हैं। आखिर क्या इन लोगों के लिए शेल्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है? और रहते भी हैं तो ये लोग कैसे करते हैं अपनी गुजर बसर? मतलब मुश्किल से 50-55 हज़ार रुपये हमारी इनकम होती है ईयरली। कभी काम होता है कभी नहीं होता है, तो कभी मांग भी लेती, कुछ भी नहीं बता। 200-400 रुपया कमा के लाते, उसमें बच्चे देखेंगे, आदमी को लोग को देखेंगे या खुद देखेंगे। पुलिस वाले आके परेशान करते हैं, तुम लोग यहाँ क्यों बैठते हो, यहाँ से खड़े हो जाओ यहाँ से। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला दे, बल्ले की जाने वाला है। ओ, 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 करीब 2 महीने के लिए बनाए गए ये शेल्टर होम फरवरी के आसपास हटा दिए जाते हैं। इसके बाद बारिश और लू से बचने के लिए ये लोग किस भरोसे रहते हैं? दूसरी जगहों पर आश्रय लेने पर इन्हें भगा दिया जाता है। छोटे बच्चों और घर की महिलाओं के साथ ये लोग कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं? होश पड़ती है, कोहरा पड़ता है, कोई सुलेसनबाज इसमें किया यहाँ पे आके सो जाता है, हमें जगना पड़ता है। हम जगते रहते हैं, बैठे रहते हैं। इसके पीछे छोटा सा बच्चा देखो, उसको माता निकला हुआ है, लड़की है मेरी देखो, ये छोटी सी 1 साल की, और अभी और सो रहे हैं ये देखो, ये सो रही है लड़की, कहाँ लेके जाए ठीक। ये तो 2.5-3 महीने के बाद टेंट हट जाता, फिर बोलते हैं बाहर जाओ। ये वो तबका है जो कि समाज के लिए बिल्कुल मरा हुआ माना जाता है। हम लोग यहीं पे रहते हैं, खाते पीते हैं, सेंटर में सोते हैं, ठीक है सर, लेकिन हमारे पीछे कोई मजबूरी है कि ताकि हम यहाँ पे आखिर पे रह रहे हैं। आज से 10 साल हो गया हमारे को रहते हुए। हमको 40 साल हो गया यही रोड पे है, जवानी बचपन बाल बच्चे सब इधर ही करे। हम बहुत साल के यहाँ रहते हैं, मेरा खुद बचपन गया यहाँ। मैं 32 साल की थी तब मेरा जो पति है ना यहाँ इंतकाल हुए थे। थोड़ा सा गरीब हूँ, ऐस करके दुख सहना पड़ता है। मैं तो 30 साल से रह रही है, रैन बसेरे बाद में बने हैं 2011 में। यहाँ आ जाओ तो हल्ला करते, मार रहने नहीं देते अंदर वाले, भगाते हैं मार मार। कौन भगाते भैया मार के? मार मार रैन बसेरे वाले। रैन बसेरे वाले? हाँ। अच्छा, बोलते हैं यहाँ मत तुम लोग रहो, गंदगी फैल रहे हो। बट ये तो सबके लिए, सबके लिए हो तो हमारे लोगों के लिए कहाँ है। चूहे के चक्कर में तो एक बच्चा भी खत्म हो गया था, एक लड़के का यहाँ पे छोटा सा बच्चे को चूहे ने काट लिया था, उसी वजह से एक लड़का का भी इंतकाल हो गया था, मासूम बच्चे का। चूहे थे ना नीचे में, वो काटते थे तो ये तखत बाबू लोग लगाते। सड़कों और फुटपाथ पर सोने वाले ये लोग हर रात एक अधूरी नींद सोते हैं, हर रात आंखों में एक अच्छे कल की आस लिए आज की रात सही से गुजरने की उम्मीद लेकर सोते हैं। एक तरफ ठंड का सितम तो वहीं हर रात जान खोने का डर इनके जहन में बैठ गया है। हर रात परिवार की चिंता, घर की महिलाओं और बेटी के साथ रेप तो नहीं हो जाएगा, ये डर इनके मन में घर कर गया है। कोई स्पीड से आती गाड़ी हमारे सपने तो कुचल नहीं देगी, क्या एक दिन हमारी जिंदगी भी एक नया उजाला देखेगी? यही आस, यही उम्मीद हर रात
इनकी नींद का सहारा बनती है। ये मेरे को ऐसे रैन बसेरे के ही कोई गुंडे बदमाशों ने मार दिया था हाथ पे, ये इधर पीछे और सिर पे भी टाके आए थे। मतलब यहाँ सो रही थी मैं, सोते में मारा था। ये लोग यहाँ की जो लेडीज है रैन बसेरे की, इन लोगों ने ऐसे चुगली करके मुझे पिटवा दिया था, झुग्गी में आग लगा दी थी, सामान तोड़ दिया था। ये सब दारू पीते हैं ना रात में और ये सब हंगामा करते हैं जो केयर टेकर है। जब मुझे मारा था तब ये लोग थे, बचवाया नहीं किसी ने भी, जो कहीं कहीं से भाग के आए हैं वो बसेरा कर रहे हैं इन लोग इस जगह पे। सही लोग नहीं है ये, यहाँ लड़ाई झगड़ा मार पीट होता था। इतनी 7 साल के बच्ची का यहाँ रेप हो गया था, हमारे लड़के को इधर मर्डर कर दिया, उसके वजह हम यहाँ नहीं रहे। 400-500 रुपए के लिए उसको मार दिया। दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में 457 लोग दिल्ली की सड़कों पर डेथ हो गई, उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उसमें 123 लोगों की डेथ हुई थी ठंड की वजह से। एक्चुअली में पहले हम भी यही थे। अच्छा। हाँ, हमारी शुरुआत सन 2002 से है और अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से कंटिन्यू इन्हीं के साथ रहना, इन्हीं के साथ काम करना और इन्हीं के साथ बैठना उठना, यही है हमारा। 3 साल घर से नहीं जुड़े थे, 3-4 साल, उसके बाद घर से भी जुड़े हैं, फिर परिवार से भी जुड़े हैं, लेकिन विंटर में हम रात दिन ही रहते हैं, परिवार वरिवार भूल जाते हैं। पहचान कौन बोले तो भट्टा डॉन, अब तेरे को बताता है असली डॉन इस शो का कौन। इससे पूछा मैं नहीं तो कौन वे इसको दिखता नहीं। मेरे को रैपर भी बनना है, मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है, तो क्या नाम है उन सब, अभी तो मैं फिलहाल पढ़ाई में फोकस कर रही हूँ। मेरे पापा बोलते हैं कि तुझे वो बनाऊंगा डॉक्टर। हेलो मैडम, पहचान कौन, यहाँ तो मेरे बस फॉरएवर वाला लव है। हॉस्टल में ही पढ़ना सिखा तो थोड़ा बहुत, वहाँ से बाहर निकल गए हम लोग, हमारी शादी हो गई। दिल्ली दिल वालों की इन शब्दों को सुन बड़े हुए ये लोग कुछ सपने लेकर दिल्ली आए थे। आंखों में सपने लिए और दिल में जज्बात लिए ये लोग अपने पीछे अपना परिवार छोड़ आए थे। उम्मीद थी कि कुछ पैसे कमाकर परिवार का सहारा बन सकेंगे। दिन भर काम की तलाश में निकलने के बाद कुछ पैसे लेकर रात को लौटते हैं। हर दिन काम भी मिले ये मुमकिन नहीं और एक मुश्त तनख्वाह तो कभी मिलती ही नहीं, पर हर दिन एक जंग लड़ने के बाद जब रात सामने होती है तो ये शेल्टर होम ही इनका आसरा बनते हैं। हजार परेशानी सहने के बाद भी ये लोग जिंदा दिल कैसे बने रहते हैं, आखिर ये लोग कैसे एक आस को जिंदा रखे हुए हैं। अब काम धंधा भी नहीं करेंगे, चोरी भी नहीं करने देंगे, फिर बच्चे लोग को पालेंगे कैसे हम, यहाँ से ढंग का खाना नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, हम लोग बच्चे लोग को कैसा खिलाएगा कमा के। वो लोग 5 मिनट में ऐसा ही भगाते हैं, बाहर जाते हैं। पहली बात तो हम कमा के लाते तो वही खाते हैं, चाहे एक रोटी कम खाएं अपना वही सुकून से खा लेते हैं। रोटी आज भी खानी है, रोटी कल भी खानी है, अपना कमाते खाते कमाने कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। ये गाड़ी से पानी तक नहीं आता है, हम वाहेगुरु से पानी लाते हैं, गुरुद्वारे से दाल रोटी भी लाते हैं, खाना मिल जाता है। दुनिया वाले आते हैं बेचारे, बांट के चला जाते हैं अपने बच्चे समझ के, बाकी पीछे जो मर्जी आखे कोई बात नहीं। लंच भी मिलता है हमको, डिनर भी मिलता है। ऐ जिंदगी तुझे इंतहा नहीं देंगे, मैं तो एक टूटा शीशा हूँ, तुझे भी 100 टुकड़े बना देंगे। मुझे तनहा देख कर मत हंस तू इतना, तुझे भी तन्हाई का एहसास करा देंगे। तूने तो कहा था कर संघर्ष तो मिलेगी मंजिल, अगर मंजिल नहीं मिली तो मंजिल को कब्र बना देंगे, मगर ऐ जिंदगी तुझे इंतहा नहीं देंगे, मगर ऐ जिंदगी तुझे इंतहा नहीं देंगे।
आंखों में सपने लिए और दिल में जज्बात लिए ये लोग अपने पीछे अपना परिवार छोड़ आए थे, लेकिन रहने को कोई आसरा नहीं, ठंड से लड़ाई, फिर एन बसेरा में जगह ढूंढना। सरकार हर साल विंटर प्लान लेकर आती है और इन लोगों की जिंदगी रोटी कपड़ा और शेल्टर होम के बीच ही उलझ कर रह जाती है। ये काम मात्र सर्दी में मीडिया का प्रेशर और जो एनजीओज हैं वो काम करती हैं, तो उस प्रेशर में सरकार विंटर एक्शन प्लान लेकर आती है। हमें कुछ हासिल नहीं हुआ ना कुछ मिला, हम तो सुनते आए कहते आए, सब आए सुन के चले जाते हैं कह के चले जाते हैं, कुछ होता नहीं। यहाँ पे तो पता नहीं कितने आए कितने गए, सुनाया कहाया, हमने अपने दिल की बात बोला मगर कोई मानता ही नहीं है। हर साल सर्दियों में मैं यही देखता आया हूँ, अभी तक 22 साल से यही देखता आया हूँ। आप जैसे लोग बहुत आते हैं वो लोग बोलेंगे आप हमारी मदद करो, हम आप लोग के लिए कुछ बना के देंगे, कुछ भी नहीं बना के देते, ऐसे झूठ बोलते और उसे निकलवा के चले जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं करता है। उन लोग को ये तो बोलना चाहिए भाई काम धंधा उन लोग को करने दो, खाने दो, अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, वो लोग भी और नहीं बोलते। घर दिलवाना तो बहुत दूर की बात हो गई। बहुत तकलीफ उठा रहे मैडम, इसलिए हम चाहते एक बार हमको सीपी में थोड़ा बहुत काम धंधे के लिए हमारे लिए वो कर दे। हम ये बोलते हमारी मदद करो, हमारा बच्चा ऐसा है, हमारी थोड़ी मदद करो, बस बस एक थोड़ा सा मकान मिल जाता उसमें जिंदगी हम बिता लेते, चाहे एक कमरा होता उसमें भी हम काट लेते। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति है अपने घर से जब निकले तो अपने आस पड़ोस में एक बार देखिए कि कोई ऐसा अंतिम व्यक्ति तो नहीं है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। शायद मेरे पास एक स्वेटर एक्स्ट्रा होगा तो मैं उसको दे दूँगा तो उसकी सर्दी रुक जाएगी। तो एक हमारा पुराना वो होता था ईच वन टीच वन, तो उसी तरीके से एक व्यक्ति अपने आस पास की मदद करे देखे तो चीज़ें को सुधार आ सकती है।